जैसे तो ये है हमारा फेस स्पेस जो हम लोग यूज करेंगे डिस्क्राइब करने पार्टिकल्स। अब आप देख रहे हैं इसमें वर्ड यूज किया गया है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, आपके पास कई पार्टिकल्स होते हैं और आप उसके स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, यानी कि हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नहीं करेंगे डिटर्मिन, हम लोग डिटर्मिन करेंगे स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स, राइट। इसके एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लास है, आपके क्लास में 18 स्टूडेंट्स है, 18 स्टूडेंट्स है, राइट। तो अगर मैं ये इसके माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स देखूंगी तो मैं हर स्टूडेंट का नाम, उम्र, उसके मार्क्स, हर चीज को नोट करूंगी, राइट। अगर मैं स्टेटिस्टिकली देख रही हूँ तो मैं देखूंगी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन है, राइट। फॉर एग्जांपल मैथ्स में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, फिजिक्स में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, राइट। इस तरह से मैं पैरामीटर्स निकालूंगी, मैथ्स में सबका एवरेज मार्क क्या था, फिजिक्स में सबका एवरेज मार्क क्या था। ये जो चीज़ें हैं ये स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं, यानी कि मैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये क्लास के प्रोग्रेस को असेस करने के लिए इसके स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स के एग्जाम में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, एवरेज मार्क क्या था, राइट। ये सब पैरामीटर्स हैं जिससे मैं स्टेटिस्टिकली ये क्लास को स्टडी कर सकती हूँ और इसमें इसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स लगा सकती हूँ ये क्लास के बारे में कि क्या ये क्लास फिजिक्स अच्छे से समझता है कि नहीं है, ये क्लास में लोग फिजिक्स को पास कर रहे हैं, नहीं पास कर रहे हैं, क्या इनको क्या क्या टाइप के उनके इश्यूज हैं, राइट। तो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स को भी इसी तरह से स्टेटिस्टिकली कंसिडर करते हैं, राइट। और स्टेटिस्टिक्स में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एनसाम्बल। या जैसा मैंने आपके क्लास का एग्जांपल आपको दिया है, एनसाम्बल का हर कौन है, ये स्टूडेंट है, राइट। लेकिन ये एनसाम्बल को अगर मैं स्टेटिस्टिकली कंसिडर कर रही हूँ तो मैं कंसिडर करती हूँ कि ये सभी एनसाम्बल के सभी जो पार्टिकल्स है या सभी स्टूडेंट्स है आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है कि सपोजिंग मैं देखना चाह रही हूँ कि कितने लोग फिजिक्स में पास हो रहे हैं, राइट। मुझे अज्यूम करना है कि ये क्लास के सभी बच्चों के जो पोटेंशियल है, कि जितनी होशियारी है, पोटेंशियल है, इंटेलिजेंस है, सबका इक्वल है। क्योंकि अगर मैं कंसिडर करूँगी कि कुछ बच्चे खरा अच्छे नहीं हैं, कुछ बच्चे बुरे नहीं हैं, तो फिर वो पूरे स्टेटिस्टिक्स करने में मुझे मुश्किल होंगे, राइट। क्योंकि सपोजिंग मैं एवरेज लूँगी तो फिर मुझे मालूम रहेगा कि एवरेज में कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके क्लास में अगर कुछ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐड कर दिया, राइट, तो ऑब्वियसली वो फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा जब आपके एग्जाम्स देगा तो वो शायद फेल होगा, राइट। तो उसके वजह से मेरा जो एवरेज है ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसेंशियल है स्टेटिस्टिक्स में कि ये एनसाम्बल के जो हर कैरेक्टर है उसको मैं आइडेंटिकल समझूँ। अगर मैं आपके क्लास में सभी को आइडेंटिकल समझूँ, राइट, तो फिर क्लास का एवरेज निकालने का मतलब है, यानी कि मैं कहती हूँ कि इसमें सभी लोग पास हो सकते थे लेकिन अगर कोई फेल हुआ है तो कोई रीज़न होगा, कारण होगा कि वो स्टूडेंट फेल हुआ, राइट। तो ये है मेरा एनसाम्बल। तो ये एनसाम्बल्स है, हम लोग तीन किस्म के एनसाम्बल्स को डिफाइन करते हैं। एक को हम लोग बुलाते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसाम्बल, जिसमें सभी पार्टिकल्स के एनर्जी, वॉल्यूम और एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कैनोनिकल एनसाम्बल, जिसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सभी पार्टिकल्स का टेम्परेचर, वॉल्यूम और एन सेम है। इसमें नोट कीजिए ई और टी का फर्क है। ग्रैंड कैनोनिकल एनसाम्बल जो है थर्ड टाइप ऑफ एनसाम्बल, इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि टी, वी और म्यू सेम है। म्यू का मतलब है केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन एन सेम नहीं है। यानी कि ग्रैंड कैनोनिकल एनसाम्बल में
हमारे पार्टिकल्स एक्सचेंज हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं कि इनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है सेम रहेगा. यानी कि सपोजिंग आपके पास 80% हाइड्रोजन है, 20% हीलियम है, तो वो प्रोसेस होने के बाद भी आपके पास सेम 80% 20% का डिफरेंस रहेगा. ठीक है, तो ये तीन किस्म के एंसाम्बल्स हैं. माइक्रो कैनोनिकल जिसमें ई वी और एन है सेम, कैनोनिकल में टी वी और एन सेम है, और ग्रैंड कैनोनिकल में टी वी और म्यू सेम. इसी से हम लोग ख़त्म करेंगे लेक्चर 1. नेक्स्ट वाले इसके बाद. थैंक यू, शुक्रिया.